और भाई लोग क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे के सारे। सो गाइस यूजुअली आपकी डिमांड रहती है कि भैया सुपर बाइक्स के रिलेशन में तो आप बहुत सारी वीडियोस देते हो, इंडियन बाइक्स के ऊपर वीडियोस दो। सो आज हमारे पास यहाँ पे है रॉयल इनफील्ड, और रॉयल इनफील्ड के दीवाने तो बहुत ही सारे हैं। सो गाइस दिस इज़ फॉर सेल, दिस इज़ अप फॉर ग्राब्स। पहले आप इस बाइक का एक वॉक अराउंड देख लीजिए कि कैसी ये बाइक दिख रही है, एंड फिर आपको एक कंडीशन दिखा देता हूँ बाइक की कि कहीं पर कोई डेंट तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। देन फिर मिलते हैं भैया से, और फिर भैया से मिलकर थोड़ा सा बात करते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भी डिटेल लिखी है, तो सारी चीज़ें आपको भी मिल जाएंगी। तो भैया से पर एक बारी फिर भी मिलेंगे, ताकि एक बारी ओनर से जब हम बात करते हैं ना, तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि यार जो हम चीज़ दिखा रहे हैं या हम आप लोग लेने का मूड बना रहे हैं, तो वो चीज़ सही है कि नहीं है। सो गाइस वॉक अराउंड एंजॉय करें, एंड देन फिर उसके बाद मिलते हैं भैया से और फिर बात करते हैं। सो गाइस अगर आप यहाँ पे बाइक की कंडीशन देखेंगे तो आप फ्रंट की हेडलाइट देख सकते हैं, आप मडगार्ड देख सकते हैं, आप शॉकर्स देख सकते हैं, आप स्पेस स्पोक्स रिम्स देख सकते हैं। सब बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा साफ है। कुछ कुछ जगह रस्टिंग टाइप हल्का हल्का सा हुआ हुआ है, बाकी एज सच मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ से हल्का सा इसका पेंट जो है चिपका हुआ क्या नहीं कुछ लगा हुआ है इस पर। सो यहाँ कुछ ये चीज़ लगी हुई है। देन अगर आप यहाँ पे सामान की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला गार्ड मिल जाता है, और बाकी बाइक जो है वो पूरी की पूरी स्टॉक है। मुझे इसके अंदर ये जो कलर है वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्लासिक 350 जो है वो है ये मॉडल। एंड अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसकी थोड़ी सी सीट जो है वो यहाँ से फटी हुई है, एंड इसको चिपकाया गया है सीट को यहाँ से। सो ये थोड़ी सी कमी है इसके अंदर, सो दैट मीन्स आपको जो इसकी ये सीट कवर है वो चेंज कराना पड़ेगा। बाकी अगर यहाँ पे हम एग्जॉस्ट की बात करें तो नॉर्मल आपका स्टॉक एग्जॉस्ट जो कंपनी से आता है वो लगा हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आपको लाइट का दिखाऊं तो क्रोम फिनिश जो है वो थोड़ा सा बैठा हुआ है। आप ये चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये चीज़ क्रोम फिनिश जो है वो इसकी यहाँ पे बैठी हुई है। देन अगेन हम साइड पे जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो कोई टैंक वगैरह पे या किसी भी जगह एज सच कोई मेरे को स्क्रैच नहीं दिख रहा। सो गाइज मिलते हैं भैया से और मिलके भैया से बात करते हैं और पूछते हैं इसकी सारी की सारी डिटेल। सो गाइज वॉक अराउंड आपने देखा, बाइक देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, खास करके जो कलर है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। सो भैया अगर मैं यहाँ पे इस बाइक के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 7,780 किलोमीटर बाइक चली हुई है। तो कौन सा मॉडल है ये? 17 मॉडल है, 2017 के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ गाइज 8,000 से भी कम ये बाइक चली हुई है, तो यार ये बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं इसके ओनरशिप की बात करूं, देन अगेन ये सिंगल ओनर है। और भैया हम इसके जो पैसे मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं? वो भैया जो इसका आस्किंग प्राइस है 1.25 लाख है, और कुछ हद तक नेगोशिएबल रहेगा बुलेट में, क्लासिक में सिर्फ थोड़ा बहुत नेगोशिएबल रहेगा, लेकिन गाड़ी आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। ओके, सो गाड़ी में आपके हिसाब से कोई इशू नहीं है, बाकी सर्विस रिकॉर्ड वगैरह के हिसाब से गाड़ी पूरी टच है? पूरी टच। ओके, सो गाइस गाड़ी आपने देख ली, भैया ने आपको डिटेल बता दी है, डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भैया का एड्रेस, भैया का नंबर जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जल्दी से आएँ सुभाष नगर भैया की शॉप के ऊपर, और अगर आप एक रॉयल एनफील्ड खरीदना चाहते हैं तो आप भैया के पास आके विजिट करें, डील क्रैक करें, बहुत अच्छी डील दे देंगे भैया। अगर आप थोड़ा सा बता देंगे कि बॉर्न क्रिएटर की वीडियो देख कर आएँ, तो हो सकता है भैया थोड़ा सा नेगोशिएबल थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कर लें। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर और भी देखने को मिलें, तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं गाइस कि आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं कि नहीं। सो गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गुड कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम बॉर्न क्रिएटर।